यह कहानी शुरू होती है एक शादी के घर से, जहां अंगद और नीलिमा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। अरे अरे ठीक से लगाओ, मेरे बेटे की शादी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और आप यहाँ बैठे हैं, नीलिमा के घर फोन करके पता किया या नहीं? आज तो वो पेड़ विवाह वाली रस्म होनी थी ना, पता तो करो, सारी तैयारियां हो गई है ना? मैंने सुबह ही पूछ लिया था, सारी तैयारियां हो गई हैं, तुम परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हो, अंगद को भी ग्रह दोष वाली लड़की ही पसंद आती थी। अब रहने भी दो, शादी तय हो चुकी है, अब इस बातों का क्या मतलब है? हाँ अब कर भी क्या सकते हैं। चलो मैं जा रही हूँ, बहुत सारी तैयारियां बची हुई है। नीलिमा जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। हाँ माँ बस अभी आई। जल्दी चलाओ जी, पेड़ के पास पहुँचते कहीं मुहूर्त ही न निकल जाए। नीलिमा और उसका परिवार पेड़ के पास पहुँचते हैं और पेड़ विवाह का कार्यक्रम शुरू होता है। कार्यक्रम चल ही रहा था कि किसी की नजर नीलिमा पर पड़ती है। आज इस लड़की की किस्मत फूट जाएगी, मेरे होते कोई सुहागन चैन से नहीं रह सकती। जिस तरह मेरी जान गई थी, इस लड़की को भी वैसे ही मरना होगा। पूजा पूरी करके नीलिमा और उसका परिवार घर लौट जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि कोई और भी उनके साथ आ रहा है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लग जाए। कितनी मूर्ख है ये औरत, इसे तो ये भी नहीं पता कि आज इसकी लड़की की नहीं मेरी शादी है। आज मैं दुल्हन बनके इस परिवार को बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल नीलिमा के अंदर ही बस गई थी, पर अब तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। अंगद और नीलिमा की शादी संपन्न हो जाती है और नीलिमा अंगद के साथ उसके घर आ जाती है। मेरा ससुराल तो बड़ा सुंदर है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है इस घर के तबाह होने में। चलो बच्चों अब यहाँ से निकलो और नीलिमा आंटी को अब आराम करने दो। बहू अपना नया घर कैसा लगा? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बता देना। जी माँ जी। चलो मैं अब चलती हूँ, तुम आराम करो। अरे नीलिमा क्या हो गया, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? कौन नीलिमा? मैं कोई नीलिमा नहीं, मेरा नाम छाया है। अच्छा जी, नए घर में आके नाम भी रख लिया, चलो छाया भी अच्छा है। अब देख तू छाया की माया। आ क्या हो गया है तुमको, होश में तो हो ना, मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। कुछ दिन और सोले चैन की नींद, फिर तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगी। सबको क्या बोलूंगा, शादी के पहले दिन ही कमरे के बाहर सो रहा हूँ। यह सोच के अंगद उसी कमरे में नीचे जमीन पे ही सो जाता है। जल्दी चलो बहुत सारा सामान लाना है, आज फंक्शन शुरू होने में थोड़ा समय ही बचा है। आ आ मर गई, मेरा तो पैर ही टूट गया, कोई मदद करो। अब लो तुम सब फंक्शन के मजे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, घर में कोई न कोई अप्रिय घटना एक के बाद एक होती ही रही। हे भगवान, मेरे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई है। जब से अंगद की शादी हुई है और ये नीलिमा घर आई है, एक भी दिन शांति से नहीं गुजरा। मैंने पहले ही कहा था यह दोष वाली लड़की को बहुमत बनाओ, पर मेरी सुनता ही कौन है। अरे कहाँ तुम ये सब अंधविश्वास लेके बैठ गई, ये सब तो लगा ही रहता है, सब दिन एक समान तो नहीं होता ना। इन सब में अब बेचारी बहू को कोसना बंद करो। मैं कह रही हूँ किसी पंडित को बुला के पूजा पाठ करा लो, बाद में मुझे मत बोलना। एक रात अंगद जैसे ही अपने कमरे में जाता है, उसे नीलिमा कुछ अलग ही नजर आ रही थी। नीलिमा नीलिमा ये तुमको क्या हो गया है, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हमारी शादी को 10 दिन बीत गए हैं, पर आज तक तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। सुनो ना जरा इधर तो आओ। तुझे कितनी बार बोला मेरा नाम छाया है, तुझे समझ क्यों नहीं आता? बस करो अब नीलिमा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। नाटक नाटक, तेरी बीवी अब कभी नहीं मिलेगी, मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरे रहते कोई जोड़ा खुशहाल नहीं रह सकता। अब तुम्हारी एक नई कहानी शुरू हो गई।
आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुझे मारकर तेरी लाश पे नाचना चाहती हूँ, इस घर में मौतम मौतम देखना चाहती हूँ। आ आ आ माँ, मुझे बचाओ। अरे अरे, छोड़ो मेरे बेटे को। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मेरे बेटे को। तेरा बेटा अब नहीं बचेगा, आज मैं इसे लेके ही जाऊंगी। इसके दिन पूरे हो गए हैं, अब इसको ले जाऊंगी अपनी दुनिया में। ऐसा मत करो, छोड़ दे मेरे बेटे को। तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मैं पूरा करूंगी। बदला। बदला चाहिए मुझे, बदला। मैंने कहा था ना, बोलो, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अब अपनी आंखों से देख लिया ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैं आज ही किसी अच्छे पंडित का पता करता हूँ। पंडित जी, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, हमारी मदद कीजिए। हमारे बेटे की जान बहुत मुश्किल में है। आप चिंता मत करिए, विस्तार से बताइए क्या बात है। अंगद की माँ ने पंडित जी को एक एक करके पूरी बात बताई। आपके घर में किसी अतृप्त आत्मा का साया पड़ गया है, कोई बड़ा संकट नजदीक आ रहा है। तुरंत ही एक अनुष्ठान शुरू करना होगा, इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो जाए। पंडित जी, आप तुरंत पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए, अब और समय गंवाना ठीक नहीं होगा। घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जाते हैं, नीलिमा की बेचैनी बढ़ने लगती है। अपना नाम बता, क्या नाम है तेरा? जल्दी बता, वरना तुझे वहीं भेज दूंगा जहाँ से तू आई है। छाया नाम है मेरा, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से, वरना इस लड़की को जान से मार दूंगी। पंडित जी ने अनुष्ठान आगे बढ़ाया और छाया को सामने आने पर विवश कर दिया। क्यों आई है यहाँ, क्या चाहिए? बदला चाहिए मुझे, बदला। किससे बदला चाहिए, कैसा बदला? सब समझाओ विस्तार से। पति से बदला चाहिए, अपने पति से। क्यों चाहिए, कौन है तेरा पति, क्या किया है उसने? मार दिया मुझे, मेरी शादी के दिन ही मार दिया। कितना सपना देखा था मैंने अपनी शादी का, और उसने मुझे मेरी शादी के दिन ही मार दिया। तू यहाँ क्यों आई है, इस परिवार को क्यों तंग कर रही है? सज सवर के ये लड़की मेरे पास आई थी, शादी की खुशी में बहुत उड़ रही थी, मेरे सामने इतरा रही थी। मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं किसी की होने नहीं दूंगी। ये लड़की तुझे कहाँ मिली, जल्दी बता। जिस पेड़ से ये लड़की शादी करने आई थी, मेरा बसेरा उसी पेड़ पर था। उसी पेड़ के नीचे मेरे पति ने मुझे मार के गाड़ दिया। अब इस परिवार को बर्बाद करके ही वापस जाऊंगी। चली जाए यहाँ से, कभी लौट के मत आना। जैसे जैसे पंडित जी ने पूजा आगे बढ़ाई, छाया मजबूर हो गई नीलिमा के शरीर से बाहर आने पर। जैसे ही छाया ने नीलिमा के शरीर को छोड़ा, नीलिमा का शरीर सफेद पड़ गया और वो बेहोश हो गई। पंडित जी, नीलिमा को क्या हो गया है, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? बेटा, अभी नीलिमा को कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में। इतने दिनों तक एक आत्मा ने शरीर में घर कर रखा था, जिससे इसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो गया था। कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगी। कई दिन बीत गए, लेकिन नीलिमा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुमको इस डर से लड़ना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। अंगद ने पूरा दिन छाया के बारे में सोचती रहती, उस बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ होगा। उसके ही पति ने उसे मार दिया, वो भी शादी वाले दिन। कितना बुरा हुआ होगा उस बेचारी के साथ। तुम इतना मत सोचा करो, जितना सोचोगी तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। वैसे ही कोई सुधार नहीं हो रहा अभी तक। नहीं अंगद, छाया तो चली गई है, पर मैं आज भी उसको महसूस कर सकती हूँ। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा, मेरी हालत नहीं सुधरेगी। आज भी उसका पति आजाद घूम रहा है, ना जाने और कितनों के साथ बुरा कर रहा होगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि छाया के पति ने ही उसे मारा है। अब एक आत्मा की गवाही तो पुलिस मानेगी नहीं।
छाया ने बोला था ना, उस पेड़ के नीचे ही उसके पति ने उसे गाड़ा था। अगर हम पेड़ के पास जाके देखें तो शायद छाया की बॉडी मिल जाए। लेकिन ये सब करके हमें क्या मिलेगा? मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो प्लीज मेरी मदद करो इस काम में। हमें छाया को इंसाफ दिलाना ही होगा। अगले दिन नीलिमा और अंगद उस पेड़ के पास जाके खुदाई शुरू करवाते हैं। थोड़ी देर में ही उनको एक डेड बॉडी नजर आ जाती है। अंगद तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी देता है। कुछ टेस्ट होने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिल जाती है कि मिली हुई बॉडी छाया की ही है। पुलिस छाया के पति से पूछताछ शुरू करती है और थोड़ी देर तक मना करने के बाद आखिरकार उसका पति अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अंगद और नीलिमा पूरे सम्मान के साथ छाया का अंतिम संस्कार करवाते हैं और नीलिमा की हालत भी अब सुधरने लगती है। उस पेड़ के पास जाके दोनों आखिरी बार छाया को अलविदा करते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।